हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसा कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि लैंडस्लाइड होने की वजह से मुझे यहाँ पे पुर्थी में रुकना पड़ा था, और आज जैसे इंफॉर्मेशन मिली है कि अप्रोक्सीमेट 2 बजे तक लैंडस्लाइड जो हुई हुई है वो पोर्शन क्लियर हो जाएगा और उसके बाद उसमें ट्रैफिक फिर से रिज्यूम हो जाएगा। तो मैंने बैग अपना बिल्कुल पैक करके बाइक के ऊपर लगा दिया है और बिल्कुल बाइक को फिट फैट बना दिया है। आपको दिखाता हूँ, ये देखो बाइक बिल्कुल फिट फैट हो गया है। चीता हमारा बिल्कुल रेडी है अब चलने के लिए। अब यहाँ से मैं कुछ ही देर में आगे जाने वाला हूँ और वहाँ पे वेट करेंगे, देखते कब तक रास्ता वो खुलता है। अगर रास्ता वक्त से पहले खुल गया तो टाइमली वहाँ से निकल कर सिसु मुझे पहुँचना है। अगर रास्ता लेट खुलता है तो सिसु भी उसी हिसाब से मैं काफ़ी लेट पहुँचूँगा। तो चलो एनीवे आगे देखते हैं क्या होता है। तो मिलते हैं आपको सीधा मोटर व्लॉग में। सो गाइज, निकलने का टाइम हो गया उस होम स्टे से जहाँ पे मैंने चेक इन किया था, और खाना मैंने खा लिया है। उदयपुर से किलाड़ वाले रास्ते पर जब आप आओगे तो पुर्थी जाते हुए जो पहला ही ये ढाबा आता है वहीं पे मैंने ये स्टे किया था। पुर्थी से उदयपुर जाते हुए जैसे पुर्थी ख़त्म होता है उसके बाद ये टार्मिक रोड स्टार्ट हो जाता है। 7-8 किलोमीटर का ये टोटल पैच है, उसके बाद फिर से ऑफ रोड स्टार्ट हो जाएगा और उसके आगे जाकर बीच में एक पैच और आता है 2-3 किलोमीटर का, जो कल वहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए थे लैंडस्लाइड वाली लोकेशन पे, उन्होंने बताया था। फिर पूरा का पूरा 22-23 किलोमीटर का फिर से ऑफ रोड मिलेगा। सामने की लोकेशन देखो गाइस, क्या मस्त लोकेशन है यार, कितनी बर्फ गिरी हुई यार, अरे बर्फ गिरी हुई ऊपर, तो बर्फ का सीजन शुरू हो गया जल्दी। इस मोड़ के बाद दिखाई देगा ये खूबसूरत सा नज़ारा। तो ये देखो वो नज़ारा, वाओ क्या ब्यूटीफुल लैंडस्केप है यार, वाओ ऑसम लोकेशन, मजा आ गया यार, ना जबरदस्त लैंडस्केप है यार। आज फिर उसी रास्ते से जा रहा हूँ जिस रास्ते का आपने कल एक खूबसूरत सा सिनेमैटिक ड्रोन शॉट देखा था। देखो ये है वो रास्ता, क्या खतरनाक मंजर है वो, देखो सामने कितनी लैंडस्लाइड हुई हुई है, लैंडस्लाइड भी हुई है और पहाड़ों को काटा भी गया है और पत्थरों को नीचे नदी वाली साइड को ही गिरा दिया गया है, क्योंकि नदी वाली साइड तो समुंदर है, वहाँ पे तो जितना मर्जी पत्थर वगैरह गिरा दिए जाएं तो वो सारा का सारा नदी में समा जाएगा। क्या ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं यार, वाव सीनरी तो जबरदस्त है एक नंबर की। लोकेशन तो भाई एक नंबर की है, पांगी वैली, खूबसूरत पांगी वैली, खतरों से घिरी हुई, जहाँ खूबसूरती होती है वहाँ थोड़ा बहुत खतरा तो होता ही है, तो खतरे भी थोड़े बहुत उठाने बनते हैं लेकिन जरूरत से ज़्यादा नहीं, समझे। जबरदस्त रास्ता बनाया हुआ है ये, और ये रास्ता ठीक होते होते बिल्कुल सेट होते होते बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। बाकी देखते हैं कितने सालों में ये रास्ता बनकर पूरी तरह तैयार होता है। रास्ता बन जाएगा, एडवेंचर ख़त्म हो जाएगा, सफ़र आसान हो जाएगा, ये बात तो सही है भाई। हमने तो रोज़ कौन सा आना है, हमने तो कभी कभार आना है। यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए तो रोज़ का आना जाना है, तो उनके लिए तो रास्ता अच्छा बनना ही चाहिए। हमारे लिए एक अलग से रास्ता बना दीजिए एडवेंचर वाला। ये देखो जो कल आपको एक झरना दिखाया था, क्या खूबसूरत झरना है यार ये, वाओ वो देखो ये क्या है, अरे ओहो पहाड़ी पहाड़ी क्रिकेट। और इसी के साथ
ऑफ रोड टूटा हुआ स्टार्ट। रोड देख रहे हो क्या खतरनाक वाला रोड है भाई। ओहो देखो कैसे काट काट के बनाया है पहाड़ों को यार, सच में यार। आज धूप अच्छी निकली हुई है तो इसलिए रोड पे जो कीचड़ वगैरह जमा हुआ था वो सूख जाएगा जल्दी टाइम से। ओहो काफी टफ हो रहा है रास्ता यार। आगे के जो 20 22 25 किलोमीटर निकलेंगे ना वो भी ऐसे ही निकलेंगे भाई, हालत ख़राब होगी इसमें। चलो एनीवे देखा जाएगा आगे जाकर। सामने आ गई एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, और इजली हो गई क्रॉस। सो गाइस एक आ गई और वाटर क्रॉसिंग, ये देखो वाटर क्रॉसिंग इजी है ये। इतनी मुश्किल नहीं है लेकिन इतनी आसान भी नहीं कह सकते इसे। अभी लैंडस्लाइड वाला पोर्शन लगता है क्लियर नहीं हुआ क्योंकि ये ट्रक यहीं पे खड़े हैं, कल भी ट्रक यहीं पे खड़े थे। आगे जाकर देखते हैं क्या सीन है आगे का। और फिर से आ गया टार्मिक रोड, थोड़ा सा पोर्शन एक। सो गाइस अभी तक लैंडस्लाइड क्लियर नहीं हुई है। ये देखो सारे के सारे व्हीकल्स यहीं पे खड़े हुए हैं और उस तरफ भी व्हीकल खड़े हुए हैं देखो। और जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ वो लोकेशन बहुत ही प्यारी है, आपको कैमरा के दूसरे एंगल से देखता हूँ। ये देखो ये है वो लोकेशन और ये है चंद्रभागा रिवर, चिनाब रिवर। वाह क्या लोकेशन है देखो। और वो सामने केव दिखाई दे रही है आपको, इस केव में से पानी आ रहा है अंदर से इसके, और ये केव ऐसे दरार बनी हुई है पहाड़ के बीच में ऊपर तक, ये ऊपर तक ऐसे। देखते हैं वेट करते हैं कितनी देर में लैंडस्लाइड वाला पोर्शन क्लियर होता है, तब तक आप एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत वैली का एक सिनेमैटिक लॉन्च शो। कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा ड्रोन शॉट, उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। तो चलो वेट करते हैं तब तक इस लैंडस्लाइड वाले पोर्शन को क्लियर होने का, और उसके बाद मिलते हैं आपको सीधा मोटर ब्लॉग में। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं उसी लोकेशन पे जिसके आगे हुई है लैंडस्लाइड। अब थोड़ा सा यहां पे मैं सोच रहा हूं ड्रोन शॉट लिया जाए और देखा जाए कि क्या पोजीशन है लैंडस्लाइड। ये है कुछ ऐसी हालत यहाँ पर, यहाँ हुई है लैंडस्लाइड।
देख रहे हो आप, खतरनाक वाला मंजर है यहाँ पर। और नीचे खाई तो देख ही सकते हो, ये देखो कैसे हुई हुई लैंडस्लाइड यहाँ पे। चलो पीछे चलते हैं, और हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, ड्रोन उड़ाया जाए या ना उड़ाया जाए ये सोच रहा हूँ मैं। ये दो पर्सन गए हुए आगे, कितने पैदल पैदल वहाँ से रास्ता है आने का। तो गाइस सीन ऐसा हो गया, ड्रोन शॉट मैंने ले लिया है इस लैंडस्लाइड वाले पोर्शन का। इतना ज़्यादा पोर्शन में लैंडस्लाइड नहीं हुई है कि उसको क्लियर नहीं कर सकते। दिक्कत ये है कि ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। अब पत्थर गिर रहे हैं तो वही इस ऐसा रिस्क कौन लेगा उसको क्लियर करने का। तो जो ड्राइवर था उसने मना कर दिया, तो इसलिए काम ठप पड़ा हुआ है। अब देखते हैं क्या सीन रहता है, ये पोर्शन क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं कुछ इसके बारे में कह नहीं सकता। अगर कल तक भी ये क्लियर नहीं होता तो फिर मैं किश्तवाड़ वाले रूट पे चला जाऊंगा, और किश्तवाड़ होते हुए डोडा पास, पदरी पास, पटनी टॉप ये एरिया भी कवर करूंगा, और वहीं से फिर वापसी अपने घर की तरफ निकल जाऊंगा। स्पीति फिर किसी और समय में कवर करते हैं। शायद लग रहा है कि मेरी किस्मत में स्पीति में ट्रैवल करना लिखा नहीं है इस बार, क्योंकि मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूं, तो मेरे साथ वाले कहीं गुस्सा मनाए हुए हो जिनकी वजह से मेरा ये स्पीति का ट्रिप नहीं हो पा रहा। चलो एनीवे, मेरा सच पास का जो सपना था वो मेरा पूरा हो चुका है, और ये किलाड़ किश्तवाड़ वाला रास्ता भी मेरा पूरा हो चुका जाएगा। सामने रास्ता देख रहे हो, कितना खतरनाक वाला रास्ता, डेंजरस रास्ता। और ये देखो पत्थर गिरे हुए ऊपर से, यार सच में यार बहुत खतरनाक वाला रास्ता है ये तो। यहाँ तो बच बच कर चलाना पड़ेगा यार। ये देखो सामने कितने ऊँचे पहाड़, और नीचे खाई, और उसके नीचे कौन सी नदी, चंद्रभागा रिवर, चेनाब रिवर। सो फिर से आ गई है वो छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, छोटी मगर मोटी।
ये देख रहे हो नीचे एकदम हाइट है, और अगर यहाँ पे आपकी बाइक का मोशन नहीं बनेगा तो बाइक आपकी रुक सकती है। ये जो पानी आ रहा है ना रोड के ऊपर, इसने मुझे स्पीति की याद दिला दी। जब स्पीति गया था ना 2017 में, तो इसी तरह पानी रोड के ऊपर था और हम पानी में चला रहे थे बाइक। अब तो फिर भी वहाँ की काफ़ी सारी वाटर क्रॉसिंग को उन्होंने ख़त्म कर दिया, नीचे पाइप डाल दी है जिसके कारण रोड पे पानी नहीं आता और वाटर क्रॉसिंग भी ख़त्म मोस्टली हो गई हैं। एनीवे फ्यूचर में यहाँ पे भी ये सारी जो वाटर क्रॉसिंग्स हैं इनको बढ़िया बना दिया जाएगा, जिसमें आने जाने में कोई असुविधा नहीं होगी। चलो फ्यूचर में देखेंगे। अभी तो फिलहाल सिरदर्द ये है कि क्या मैं स्पीति कर पाऊंगा या नहीं। सो देखिए ये कितना ख़तरनाक वाली वैली है यार, वाओ ये देखो। और ये रोड ऐसे ऐसे करके जा रहा है। ये सामने एक पगडंडी सी बनी हुई दिख रही होगी, अब छोटी सी, ये देखो। ये पुराना रास्ता होता था किसी समय का जब लोग यहाँ से पैदल जाते थे, अब ये रास्ता हो गया है तो लोग अब इसके थ्रू जाते हैं। लेकिन वो समय भी सोचो जब उस रास्ते से लोग पैदल जाते थे, कितना टफ होता था वो रास्ता। अब तो फिर भी काफ़ी हद तक सुख सुविधाएं हो चुकी हैं, व्हीकल्स चलने लगे हैं, हर किसी के पास फोर व्हीलर है, टू व्हीलर है, तो फिर भी बहुत आसान हुआ है यहाँ के लोगों का जीवन। मेडिकल सुविधा नहीं होती थी पहले किसी समय में, अब मेडिकल सुविधा भी पहुँचा दी गई है यहाँ पर। लेकिन कुछ भी हो, व्यूज़ एक नंबर के अल्टीमेट है, अल्टीमेट, वाह सच में। ये जो दूसरा दिन आज मेरा ख़राब हो रहा है यहाँ पर, वो काफ़ी चुभ रहा है, लेकिन जो यहाँ की इस पांग वैली की सुंदरता है ना, उसने उसके ऊपर थोड़ा बहुत मरहम लगा दिया है। चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। अब देखते हैं कल का क्या सीन रहता है, कल क्या होता है क्या नहीं होता। सो फ्रेंड्स, आज भी जो लैंडस्लाइड वाला पोर्शन था वो क्लियर नहीं हो पाया। आपको मैंने उसका ड्रोन शॉट भी दिखाया था। लैंडस्लाइड कुछ ज़्यादा नहीं है कि उसको क्लियर नहीं किया जा सकता, लेकिन ऊपर से काफ़ी पत्थर गिर रहे थे, तो इसी वजह से जो जेसीबी वाला ड्राइवर था वो डर रहा था कि कहीं वो पत्थर उसके ऊपर भी ना गिर जाएं, क्योंकि ऑलरेडी परसों एक टिपर जो जा रहा था वहाँ के ड्राइवर के ऊपर, वो काफ़ी सारे पहाड़ के पत्थर गिर गए जिसकी वजह से उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। तो देखते हैं ये लैंडस्लाइड वाला पोर्शन कितनी देर में क्लियर होता है। अगर कल की डेट में 12 या 1 बजे तक ये लैंडस्लाइड वाला पोर्शन क्लियर हो जाता है तो फिर मैं कल निकलूँगा सिसु के लिए। कल भी ये लैंडस्लाइड वाला पोर्शन क्लियर नहीं हो पाएगा तो मैं अपना स्पीति का प्रोग्राम ड्रॉप कर दूंगा, और उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ से किश्तवाड़ में, और किश्तवाड़ होते हुए डोडा पास, पदरी पास, और उसके बाद पटनी टॉप होते हुए जम्मू होते हुए वापसी मैं नंगल डैम के लिए प्रोसीड करूँगा। तो आज की छोटी सी वीडियो में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद है आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं आपको कल के नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।